आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मैया जी के सोने का बेस यानी सोना बेस अनुपस्थित हो रहा है। भगवान जी के इस रूप को दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की समागम हुआ है। प्रशासन की ओर से यह खास कदम लिया गया है और इसी खबर पर आपको सीधा लेकर चलते हैं पुरी, जहां पर हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। तुषार, क्या कुछ पूरा है, एक बार दिखाएं दर्शकों को भी किस तरह से प्रशासन ने इस कार्य को किया है। तुषार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तुषार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है। तुषार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आप लाइव देख रहे हैं। वो देखने को मिल रहा है। तुषार, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। जी देखिए, आज महाप्रभु जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलभद्र जी का सुनावेश अर्थात आज महाप्रभु ने रथ के ऊपर विराजमान होके सारी भक्तों को सोना के वेश में दर्शन दे रहे हैं। और आज का दिन खास के दिन है और इसके लिए बहुत सारे भक्त की समागम चल रहा है। और खास तरीके से अभी पूरी से सीधा तस्वीर आप दिख पा रहे होंगे, मेरा पिछला हिस्से को दिखाऊंगा, यहाँ से कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दिखाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के। देखिए कितने सारे भक्त है, निचले हिस्से में देखिए क्राउड कितने हैं, भक्त कितने हैं, भक्त की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से खास करके खास इंतजाम किया गया है और किसी को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए खास प्रशासन के ऊपर दृष्टि भी रखा गया है। और आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं, पहले जगन्नाथ जी का आपको दिखा रहे हैं। जगन्नाथ जी नंदीघोष रथ है, नंदीघोष रथ से ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का तो आप देख रहे होंगे कि सोना का वेश धारण किए हैं भगवान ने। और उनका ऊपर जो चारों तरफ जगन्नाथ जी के सामने सोने का जो कहर दिख रहे होंगे वो सब सोने का है। और माता सुभद्रा और बलभद्र जी का भी रथ का आज सोना वेश धारण किया गया। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा और वो दिखाते रहे हैं और दूसरा पास में दिखाऊंगा। यहाँ जो जो रथ है, रथ के ऊपर देख रहे होंगे कितने सारे भक्त हैं। भक्त को आपको सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं पूरी से, आप देख पा रहे होंगे कितने सारे भक्त हैं और एक ही लाइन में कितना शांतिपूर्वक ये दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, दो साल कोरोना के बाद जिस तरह का आज काम चल रहा है और जिस तरह का भक्त को दर्शन भगवान ने दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये रात की बात है। और भगवान का दर्शन करने के लिए दो साल हो गया तड़पते थे भक्त, अभी जो उनका जो मन में जो अपेक्षा था वो अपेक्षा का अंत हुआ है। तो कहीं ना कहीं भक्त के मन में जो जिसका इंतजार था वो इंतजार का मुक्ता इंतजाम किया गया है प्रशासन के तरफ से। और खास करके जो पुलिस प्लाटून के मतलब से उनका जरिए से खास करके बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कि ताकि किसी का भी कोई भी तकलीफ ना हो। अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये चित्र देख रहे होंगे कितना सारे क्राउड है और पुलिस प्रशासन अधिकारी भी बहुत सारे हैं और खास के लिए 180 प्लाटून पुलिस नियोजित किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और भगवान का पूरा अच्छा से दर्शन करने के लिए जो इंतजाम किया गया है वो बेहतरीन किया गया है। और इसके लिए खास पूरा आप दिख पा रहे होंगे कि किस तरह सा क्राउड है। महाप्रभु जगन्नाथ और सुभद्रा और बलभद्र जो तीनों रथ है और ये नंदीघोष रथ, दर्पण रथ, ये सारी जो रथ है यहाँ पर खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु का कल जो अधर्पणा नीति है वो कल संपन्न किया जाएगा, यानी जो रथ के चारों तरफ जो पार्श्व देवा देवी हैं उनको जो पितात्मा है वो उनको शांति किया जाएगा और परसों भगवान जी का नीलाद्री विजय होगा। जी
आपने पूरी रथ यात्रा के दर्शन कराए हमारे दर्शकों को।